सातवें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। शाम तकरीबन 6 बजे तक मतदान हुआ और उसके बाद शाम करीब 6:30 बजे से एग्जिट पोल जारी होने शुरू हो गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले शाम को अलग अलग मीडिया चैनल्स और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए। देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके लिए किस पोल में क्या अनुमान लगाए गए हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तमाम एजेंसियों की अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो जन की बात में एनडीए सरकार को 362 से 392 तक का अनुमान बताया गया है। वहीं इंडिया अलायंस के लिए 141 से 161 तक की बात कही गई है और अन्य के खाते में 10 से 20 सीट दी गई हैं। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के हिसाब से एनडीए को 371 सीट का अनुमान है, इंडिया अलायंस को 125 और अदर्स को 47। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स ने एनडीए को 368, इंडिया को 125 और अदर्स को 50 सीटें देने का अनुमान दिखाया है। वहीं रिपब्लिक टीवी पी मार्क्यू ने एनडीए को 359, इंडिया को 154 और अदर्स को 30 सीटें देती हुई उसके सर्वे में पोल्स में एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। न्यूज नेशन की बात कर ले तो एनडीए को 342 से 378, इंडिया को 153 से 169 और अदर्स को 21 से 23 सीटें अपने एग्जिट पोल में देने की बात कही है। और वहीं अगर राज्यवार देखें तो कर्नाटक में एग्जिट पोल की जो नतीजे हैं उसकी संभावनाएं जो बताई जा रही हैं, वो कांग्रेस को कर्नाटक में 3 से 5 सीटें का अनुमान है, बीजेपी को 20 से 22, जेडीएस को 3 और अदर्स को कोई भी, शून्य, यानी कोई भी सीटें देने नहीं दिया गया है। ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बिहार के जो नतीजे की संभावना जताई है उसमें 13 से 15 सीटें बीजेपी को, जेडीयू खाते में 9 से 11, आरजेडी के 6 से 7 और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। इसके अलावा अगर झारखंड की बात की जाए तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड के नतीजे की जो संभावना जताई है उसमें बीजेपी को 8 से 10, कांग्रेस को 2 से 3, AJSU को 0 से 1 और अदर्स के खाते में 2 से 3 सीटें बताई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के नतीजों की संभावनाओं पर देखें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस को 0 से 1 और अदर्स के खाते में 1 भी सीट नहीं दिखाई गई है। कुल 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें संभवतः 10 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान के नतीजों की अगर बात कर ले तो इंडिया टुडे एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी को 16 से 19, कांग्रेस को 5 से 7 और अदर्स के खाते में 1 से 2 सीटें जाने का अनुमान दिखाया गया है। वहीं गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में भी बीजेपी को 25 से 26 और कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें दिखाई गई हैं। ये संभावना गुजरात के नतीजों को लेकर के बताई गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी एग्जिट पोल और 5 एग्जिट पोल में एनडीए को तो प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से सत्ता बनाते हुए दिखाया जा रहा है। बहरहाल ये एग्जिट पोल है, 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तभी देखना ये होगा कि एग्जिट पोल 2024 के कितना सटीक बैठते हैं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।